हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बिल्कुल नई ये डेजर्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है क्रीमी स्ट्रॉबेरी डिलाइट। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये विप क्रीम लिए है 200 ml के अराउंड, और इसे अच्छे से स्टिफ पीक्स आने तक विप करें। और इसमें ये होल स्ट्रॉबेरी क्रश मिलाएं 2 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे एक साइड रख देंगे। मैंने यहाँ पे ये मिल्क बिकीज बिस्किट लिए हैं, 2 पैकेट्स के अराउंड ये बिस्किट हमें चाहिए होंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप पार्ले जी या कोई भी प्लेन चीज़ बिस्किट कुछ भी ले सकते हैं, और इन्हें अच्छे से क्रश कर लें। एक कोर्सेस फॉर्म में ये पाउडर इसको बना लें। हमें इसे ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, ऐसे ही फॉर्म में इसको हमें रखना है। अब इसमें मेल्टेड बटर मिक्स कर लें अच्छे से। आपके पास अगर 2 टाइप के बिस्किट हैं तो आप उनको मिक्स करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसे हम साइड रख देंगे। यहाँ मैंने ये कुछ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज ली हैं, इन्हें हम काट के छोटे छोटे पीसेस में रख लेंगे इस टाइप से। और अब इसको हम अपनी विप क्रीम में मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके इसको हम साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी ग्लास की इस टाइप से डिश या कोई भी बोल ले लें, और इस पर ये बिस्किट की एक लेयर सेट कर लें। लेयर थोड़ी सी आप मोटी ही सेट करें, और इसके ऊपर ये विप क्रीम जो हम जिसमें हमने स्ट्रॉबेरी मिक्स करी थी उसकी भी एक लेयर लगा लेंगे आराम आराम से। आप चाहें तो इसको पाइपिंग बैग से इस पर सेट कर सकते हैं, नहीं तो आप स्पैचुला से इजीली ही इसको सेट कर पाएंगे। और जो भी इसके साइड्स में आपकी ये विप क्रीम लग जाएगी, इसको आप टिश्यू से क्लीन कर दें। अब क्लीन करने के बाद हम इसके ऊपर एक और बिस्किट की लेयर सेट करेंगे। ये बिस्किट मेरे थोड़े से कम थे, तो आप जब इसको बनाएं तो बिस्किट थोड़े से ज़्यादा इस पर सेट करेंगे। ये लेयर थोड़ी हम मोटी रखेंगे, और दोबारा से हम ये विप क्रीम की इसके ऊपर एक और लेयर सेट करेंगे। इसी टाइप से इसको धीरे धीरे से ऐसे स्प्रेड करेंगे, और जो साइड्स में हमारी ये विप क्रीम लग गई है इसे भी हम एक टिश्यू से क्लीन कर देंगे। तो ये अब ये पूरी तरह से हमारा क्लीन हो गया है। इसके ऊपर हम ये कुछ स्ट्रॉबेरीज के जो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं उसके ये स्लाइसेस सेट कर लेंगे इस टाइप से। और अब हम इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी क्रश या तो पाइपिंग बैग से, नहीं तो ऐसे ही आप किसी स्पून से डाल दें इसके ऊपर, और बाद में एक स्पैचुला से इसको धीरे से चारों तरफ फैलाते हुए, या स्पून से भी आप कर सकते हैं, इसको इस तरह से फैलाते हुए सेट करें। तो ये हमारी स्ट्रॉबेरी डिलाइट, क्रीमी स्ट्रॉबेरी डिलाइट बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें, और फिर इसे सर्व करें। गाइस, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।